जय हिंद दोस्तों माय नेम इज़ कृतिका साहू इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं जैन से मार्च 2021 में होने वाले इंपॉर्टेंट विद सम इंटरेस्टिंग मेमोरी ट्रिक्स इन ट्रिक्स की मदद से आज ही आपको बहुत सारे नाम याद हो जाने वाले हैं हर स्टेट पी में एक से दो क्वेश्चन रिसेंट अपॉइंटमेंट से जरूर बनते हैं सो आई एम श्योर आज के वीडियो से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे शुरुआत करने से पहले अ जेंटल रिमाइंडर टू ऑल हु कुड डोनेट प्लाज्मा आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज डू सो एज नेशन को आज आपकी सबसे ज़्यादा जरूरत है सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहला अपॉइंटमेंट है जीपी समंता जीपी समंता पी इज बीन अपॉइंटेड एज चीफ स्टेटस्टिशन ऑफ इंडिया एंड ही विल आल्सो होल्ड चार्ज एज सेक्रेटरी इन मॉस्पी अब इसे याद कैसे रखेंगे देखिए स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट ग्राफ्स एंड ग्राफ्स हमेशा असमान होते हैं ऊपर नीचे होते हैं सो so असमानता से आपको नाम याद आ जाएगा जी पी समता और ग्राफ स्टैटिस्टिक्स से याद आ जाएगा चीफ स्टैटिस्टिशन ऑफ इंडिया नेक्स्ट है अनुराग ठाकुर अनुराग ठाकुर जो कि बीजेपी के एम पी है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश ही बिकेम द फर्स्ट एम पी जिनको कैप्टन अपॉइंट किया गया है टेरिटोरियल आर्मी में

काफी पुअर हो चुके थे इसलिए उनको मर्ज करना पड़ा तो अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं और काफ का, का, काफी पुअर याद रखते हैं तो आपको ये नाम याद रहेगा एग्जाम में नेक्स्ट है सौरभ सौरभ गर्ग सौरभ गर्ग इज बीन अपॉइंटेड एज सी ऑफ यू आई का हेड क्वार्टर दिल्ली में है अच्छा आप इसे याद कैसे करेंगे देखिए यू आई असाइन करता है आधार कार्ड और आधार कार्ड में हमेशा पिक्चर एकदम ब्लैक सी और बहुत अजीब सी होती है सो किसी ने अगर आपका आधार लिया और बोला कि ये किसकी फ़ोटो है इसमें तो आप क्या बोलेंगे सौरभ दी ये मेरी फ़ोटो है सो सौरभ दी से आप बन जाता है सौरभ गर्ग सो आपको यू आई डी ए आई से याद आ जाना चाहिए आधार आधार से उसकी पिक्चर जो कि ब्लैक होती है और आप क्या बोलेंगे सौरभ दी ये तो मेरी ही पिक्चर है देखिए ये ट्रिक्स काफ़ी अजीब सी वियर्ड सी हो सकती हैं बट ऐसे याद करने से आपको नाम जरूर याद आ जाएंगे एग्जाम में कुछ तो भी क्लिक होगा और आप दैट विल हेल्प यू इन मार्किंग द करेक्ट आंसर फॉर श्योर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है संजीव कुमार की संजीव कुमार इज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ़ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखिए इसकी मुझे कुछ खास ट्रिक uh, समझ नहीं आई बट हाँ हम ऐसा कुछ कर सकते हैं संजीव का हम सन ले लेते हैं जो कि आसमान में है एयरपोर्ट इज़ रिलेटेड टू यू नो एरोप्लेन्न इन ऑल तो वो एयरपोर्ट भी आसमान में सो फ्रॉम संजीव हम सन ले लेते हैं एंड एयरपोर्ट ले लेते हैं होपफुली ये पर्टिकुलर चीज़ें आपको वहाँ पे क्लिक कर जाएँ और अगर ये नहीं क्लिक करती हैं तो प्लीज़ आप इस नाम को याद रख लीजिए संजीव कुमार चेयरमैन ऑफ़ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेक्स्ट है अतीश चंद्र अतीश चंद्र इज़ बीन अपॉइंटेड एज सी एम डी ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अच्छा इसकी ट्रिक ये है आतिश को हम रीड करेंगे एज आतिश, आतिश बाजिया जो हम दिवाली में करते हैं जो कि हम जनरली रात में करते हैं सो आतिशबाजी रात में करेंगे जहाँ जब चांद होता है ओके सो जब हम ब, जब हम बच्चे थे तो हम आतिशबाजियों में इतने बिजी होते थे कि हम खाना खाना भूल जाते थे सो आतिश चंद्र फूड से आपको खाने से आपको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया याद आ जाना चाहिए नेक्स्ट है ट्वेंटी थर्ड अप्रैल टू टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन दैट इज़ टुडे आज जो करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एस ए बोब्डे वो रिटायर करेंगे एंड उन्होंने सजे उन्होंने रेकमेंड किया है यूनियन गवर्नमेंट को द सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज जिनका नाम है जस्टिस एन वी रमनव जस्टिस एन वी रमन विल बिकम फोर्टी एथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखिए इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर में काफ़ी मिलने वाली है आने वाले एक से दो महीने में तो ये आपको एनिवेज याद हो जाएगा याद रखिएगा एन वी रमना फोर्टी एथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेक्स्ट है डॉक्टर विवेक मूर्ति जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं ही इज़ बीन वोटेड इन यू यू एस ने उनको वोट करके अपॉइंट किया है ट्वेंटी सर्जन जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स देखिए क्योंकि ये डॉक्टर हैं एंड डॉक्टर हैं और डॉक्टर लोग ही सर्जन बन सकते हैं दैट वे यू कैन रिमेंबर इट नाउ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है दीपक मिश्रा नाउ दीपक मिश्रा जो कि करेंटली वर्ल्ड बैंक में इकोनॉमिस्ट है ही इज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप रिलेशंस इसका फुल इसका शॉर्ट फॉर्म है आई सी आर आई ई आर अच्छा अब इसे याद कैसे करेंगे देखिए दीपक दीपक से हो जाता है उजाला और अगर उजाला होगा तो आप देख पाएंगे सो so, दीपक से उजाला हो रहा है एंड दैट्स हाउ यू हम बोल सकते हैं आई सी और रियर रियर जो रियर व्यू होता है मिरर होता है सो so, दीपक के कारण उजाला हुआ एंड दैट्स हाउ आई सी रियर व्यू होपफुली ये थोड़े सा वियर ट्रिक है बट ये नाम आपको उस समय याद आ जाएगा नेक्स्ट है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन इज़ बिन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल बॉडी जिसका नाम है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड ये पार्टनरशिप बोर्ड का विजन है टीबी फ्री वर्ल्ड अगर हम नेशनल प्रोग्राम की बात करें तो टी के लिए हमारा नेशनल प्रोग्राम क्या है टी हारेगा देश जीतेगा जिसको हमने लॉन्च किया था ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है देखिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं दी जाएगी इसे आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि नौरीन हसन नौरीन हसन जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं शी हैज़ बिकम द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क नौरीन हसन नाम याद रखिएगा फर्स्ट वी पी सी ओ ओ ऑफ़ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ओके नेक्स्ट है तीरथ सिंह रावत ऑफ़ कोर्स आपने ट्वीट और जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है इनके ट्वीट्स के लेकर ये याद होगा हिज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड और इन्होंने रिप्लेस किया है त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो कि रिजाइन करे थे नाइन्थ मार्च को आफ्टर कंप्लीटिंग नियरली फोर इयर्स एज सी ऑफ उत्तराखंड नेक्स्ट है जी आर चिंतला जी आर चिंतला जो करेंटली नबार्ड के चेयरमैन हैं उनको अपॉइंट किया गया है एशिया पैसिफिक रूरल एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन का चेयरमैन ओके okay, अब इसे याद कैसे रखेंगे देखिए अगर आप इसका नाम याद रखें इसमें है रूरल जो कि गांव की बात है एग्रीकल्चर जो कि रिलेटेड टू फार्मर्स है अगर हमने रूरल पीपल विलेज के लोगों को और फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करा दिया तो उनकी जो चिंता है उसको ताला लग जाएगा सो so, फ्रॉम चिंता को ताला लगना विल बी एबल टू रिमेंबर जी आर चिंतला एंड जी आर चिंतला चेयरमैन हैं सबसे पहले तो वो नबार्ड के चेयरमैन हैं और दूसरा ये एशिया पैसिफिक रूरल एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के भी चेयरमैन हैं होपफुली आपसे ये आपको ये ट्रिक से ये नाम याद याद हुआ होगा नेक्स्ट है जो हमारे करंट सीएजी हैं है गिरीश मुर्मू इनको रीअपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर टू इन और ये रीअ अपॉइंटमेंट है इस साल फर्स्ट टाइम इनको अपॉइंट किया गया था 2020 में नेक्स्ट नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपको याद रहना चाहिए और इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं दी जाएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीकिया नॉरन्हा जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट है इनको अपॉइंट किया गया है असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन शी इज बीन अपॉइंटेड एज जनरल असिस्टेंट जनरल असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ़ यूनाइटेड नेशन एंड शी विल्सो बिकम एंड शी इज ऑल्सो द्यूयॉर्क ऑफिस यू एन ई पी की सो so, वो यू एन ई पी के न्यूयॉर्क ऑफिस की हेड भी हैं और साथ ही साथ असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन भी उनको अपॉइंट किया गया है नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकता है याद रखिएगा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है मैरीकॉम मेरी कॉम चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन्स और जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है उसकी एक कमेटी होती है उस कमेटी का नाम है चैम्पियंस एंड वेटरन कमेटी चैम्पियंस एंड वेटरन कमेटी की जो चेयरपर्सन है उसको अपॉइंट किया गया है मैरीकॉम जी को नेक्स्ट है श्री मनप्रीत वोहरा श्री मनप्रीत वोहरा इज़ बीन अपॉइंटेड एज हाई कमिश्नर ऑफ ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है सोमा मंडल सोमा मंडल को चेयरमैन ऑफ सेल अपॉइंट किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है सोमा मंडल इज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेल शी इज़ बिकम द फर्स्ट एवर वुमन जो कि इस पर्टिकुलर बॉडी को हेड करने वाली है एंड शी इज़ गोइंग टू रिप्लेस अनिल कुमार चौधरी नेक्स्ट है पंकज मित्तल पंकज मित्तल इज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अच्छा इसे याद कैसे रखेंगे जे एंड के एंड अगर आप पंकज को लिखें तो पंकज में भी जे पहले के आता है और जे आता है बट एट लीस्ट आता तो है सो so, इसमें जे एंड के आप याद रख सकते हैं पंकज मित्तल नाउ नेक्स्ट है एलेक्जेंडर एलिस एलेक्जेंडर एलिस इज बीन अपॉइंटेड एज न्यू ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया नेक्स्ट है फॉर्मर इंडियन स्ट्राइकर जिनका नाम है अभिषेक यादव अभिषेक यादव पहले ऐसे डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किए गए हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सो ही इज़ द फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फ़ुटबॉल फेडरेशन नेक्स्ट है करण बाजवा करण बाजवा इज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ गूगल क्लाउड इन स्पेसिफिक एशिया पैसिफिक रीजन के वो गूगल क्लाउड के हेड हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है याद रखिएगा किरण मजुमदार शॉ जो कि बायोकॉइन बायोकॉन एग्जीक्यूटिव की, बायो बायो की चेयरपर्सन है शी इज़ वन ऑफ द चेयरपर्सन टू यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल की यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की वन ऑफ द चेयरपर्सन है किरण मजुमदार शॉ नेक्स्ट है सिद्धार्थ मोहंती सिद्धार्थ मोहंती इज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एल एंड ही विल बी रिप्लेसिंग टी सी सुशील कुमार नेक्स्ट है जस्टिस गीता मित्तल जस्टिस गीता मित्तल अगेन कोई ट्रिक नहीं है इसके लिए आपको ये याद रखना होगा शेज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ बी सी 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 विच इज ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेन काउंसिल जस्टिस गीता मित्तल फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ बी सी 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 नेक्स्ट है सुनीत शर्मा सुनीत शर्मा एज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सी ऑफ रेलवे बोर्ड अच्छा इसे कैसे याद रखेंगे देखिए जो रेल होती है वो काफ़ी बिल्कुल भी शर्माती नहीं है बहुत ज़ोर से आवाज़ करती है और उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी जा सकती है सो दूर दूर तक सुनी जा सक सकती है वाले से सुनी से आप सुनीत ले सकते हैं एंड रेलवे बिल्कुल रेल जो आवाज़ करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करती है उससे आप शर्मा ले सकते हैं सो सुनीत शर्मा न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड आज के वीडियो की लास्ट अपॉइंटमेंट है उमेश सिन्हा उमेश सिन्हा इज बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर विथ दिस वी कंक्लूड द फर्स्ट पार्ट ऑफ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे सो स्टे टून विद अस जय हिंद